बिहार के बाहुबलियों में शुमार रहे सांसद पप्पू यादव किसी न किसी मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल में वो एक बार फिर चर्चा में तब आए जब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक कमेंट किया। इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया में पप्पू यादव के पक्ष और विरोध में पोस्ट वायरल होने लग गए। अब पप्पू यादव ने एक बार फिर से ऐसा पोस्ट किया है जो चर्चा में आ गया है। इस बार उनका पोस्ट अभिनेता सलमान खान को लेकर है। दरअसल पप्पू यादव ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी कि वो मुंबई गए थे और वहां सलमान खान से मुलाकात की उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई। पप्पू यादव ने बताया कि सलमान खान शूटिंग में व्यस्त हैं। हालांकि फोन पर उनसे पप्पू यादव की लंबी बातचीत हुई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सलमान खान से बात की जानकारी ट्विटर पर देते हुए लिखा कि मुंबई से लौट रहा हूँ, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूँ ना। पप्पू यादव ने आगे लिखा कि उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर और निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया, हर परिस्थिति में मैं साथ हूँ। बता दें कि 12 अक्टूबर को मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चैलेंज किया था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करने की धमकी दी थी। अब मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे युशान सिद्दीकी से गुरुवार रात उन्होंने मुलाकात भी। इसको लेकर पप्पू यादव ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और तस्वीरें साझा की। पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार के मरहूम बेटे बाबा सिद्दीकी साहब के सुपुत्र युशान जी से मिला, मैं हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ हूँ। बाबा और उनके परिजनों को जल्द न्याय मिले, उनके हत्यारों और साजिशकर्ताओं का खात्मा हो, कानून संविधान से ऊपर। तो बाकी पप्पू यादव के इस पोस्ट पर आप क्या सोचते हैं? पप्पू यादव ने जो सलमान खान से बातचीत की उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।